आज बात करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक कंपनी होती है यानी कोई संस्था होती है, वो कंपनी के साथ देखिए क्या होता है, कंपनी के कोई मेंबर होता है या आप भी मेंबर बन सकते हैं, तो क्या देखिए क्या करेगा, कोई सदस्य रहेगा यानी देखिए जो सदस्य रहेगा वो क्या करेगा कि आपको एक सदस्य सदस्यता दे देगा, यहाँ पर क्या करेगा आपको भी सदस्यता बनाएगा यानी एक सदस्य बनेगा। सदस्य बनाने के बाद देखिएगा आप भी कोई भी अगर वस्तु लेते हैं कंपनी के तहत, जैसे कि कोई साबुन हो गया, सर्फ हो गया, कपड़ा हो गया आदि, मैंने कोई भी सामान लेते हैं, प्रोडक्ट होता है, कोई भी वस्तु लेते हैं, तो मान लीजिए आपने 1000 का उस कंपनी से खरीदा, मैंने आप सदस्य बन गए 1000 से कंपनी का सामान खरीदा, तो इसमें क्या होता है कि जो 1000 का जो आपने सामान किना है उस सामान के तहत जैसे कि जो आपको सदस्य सदस्यता दिलाया है उसको देखिए कंपनी उसको 10% या 20% के तहत देती होती है, यानी 20% रखी होगी 20% यानी इसका इसका 20% देखा जाएगा 20% आपका हो जाएगा 200 रुपया, 200 रुपया जो होगा 200 रुपया उस सदस्य को दिया जाएगा यानी सदस्य को मिलेगा, और बाकी जो 800 रुपया होगा 800 रुपया वो कंपनी को मिलेगा यानी कंपनी को डायरेक्ट 800 रुपया मिलेगा। तो कंपनी को 800 रुपये का सामान मिला, 200 रुपया सदस्य मिला, फिर आप किसी अन्य सदस्य बनाएंगे, किसी अन्य को किसी अन्य व्यक्ति को आप सदस्य बनाएंगे, तो वो व्यक्ति फिर कंपनी के सामान किनेगा, कोई प्रोडक्ट किनेगा, कोई वस्तु किनेगा, तो फिर इसमें से किनेगा तो आपको हमेशा 20% या 10% के तहत आपको वो पैसा मिलेगा। यही होता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, इसके तहत कुछ नहीं होता, मेंबर बनिए अच्छा खासा इसमें इनकम भी कर सकते हैं, बाकी आपका मन इस कंपनी में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो भी सकते हैं।